शब्द रो खो सो प्रत्यय लगा या, रो मूल शब्द है उसमें प्रत्यय लगा या तो बन गया रोया, खो में प्रत्यय या लगा तो क्या बन गया खोया, सो में प्रत्यय या लगा तो बना सोया, रोया खोया सोया इस पे या प्रत्यय लगा है। मूल शब्द जाग भूल लेट प्रत्यय है आ, जागा भूला लेटा सबसे मूल शब्द बह जा चल प्रत्यय लगाएंगे ता तो बनेगा बहता जाता चलता आदि। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जैसे आल आ आई आनी इया एरा एल वान वंत आदि। मूल शब्द लोटा डिब्बा खाट गुड्डा प्रत्यय लगा आने, लुटिया डिबिया खटिया गुड़िया ये सॉरी इसमें इया प्रत्यय लगा है, ये आपके पुस्तक में भी गलत दिया हुआ है, इया प्रत्यय लगा हुआ लुटिया डिबिया खटिया गुड़िया आदि। मूल शब्द देवर जेठ सेठ इसमें प्रत्यय लगा आनी तो बना देवरानी जेठानी सेठानी आदि। इसी प्रकार से तद्धित प्रत्यय के प्रकार, तद्धित प्रत्यय के 8 प्रकार होते हैं। प्रत्येक तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को भी आप लोग जान लीजिए। पहला है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, मूल शब्द है घर गाड़ी इसमें प्रत्यय लगा वाला, घर वाला गाड़ी वाला। मुख दुख रसोई इसमें किया प्रत्यय लगा तो मुखिया दुखिया रसोईया आदि। इसी प्रकार से मूल शब्द लोहा सोना इसमें आ प्रत्यय लगा तो लोहार सुनार। भाववाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय मूल शब्द मोटा बूढ़ा जिससे भाव निकले इसमें प्रत्यय लगा आपा, शब्द बना मोटापा बूढ़ापा। मनुष्य पशु अपना इसमें त्व प्रत्यय लगा तो मनुष्यत्व पशुत्व अपनत्व आदि। घबरा इसमें आहट प्रत्यय लगा तो घबराहट, ये सभी भाववाचक शब्द हैं बच्चों। भला बुरा पंडित भला भलाई, आई प्रत्यय लगा बुरा बुराई पंडित पंडिताई। गुरु प्रभु सुंदर गुरुता, ता प्रत्यय लगा प्रभुता, ता प्रत्यय सुंदरता, ता प्रत्यय से शब्द बने हैं। तीसरा तीसरा है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, मूल शब्द ससुर घोड़ा ससुराल घुड़साल चाचा मामा इसमें एरा प्रत्यय लगा तो बना सतेरा ममेरा। चौथा है गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, इसका मूल शब्द है पांच सात गणना मतलब गिनती, इसमें प्रत्यय लगा वां पांचवां सातवां दो तीन इसमें प्रत्यय लगा रा दूसरा तीसरा। मूल शब्द है इक इसमें प्रत्यय लगा हरा इकहरा दोहरा आदि। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, मूल शब्द ठंड इसमें प्रत्यय लगा आ ठंडा, भार ये प्रत्यय लगा भारी रमण ये प्रत्यय लगा रमणीय। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, मूल शब्द गुजरात प्रत्यय लगा ई गुजराती, नागपुर या प्रत्यय लगा नागपुरिया, दिल्ली वाला प्रत्यय लगा दिल्ली वाला। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, मूल शब्द सांप खाट प्रत्यय लगा ओला सपोला खटोला। दुख चाम दुखड़ा चमड़ा अड़ा प्रत्यय लगा, पहाड़ घंटा टोकरा पहाड़ में ई प्रत्यय लगा पहाड़ी, घंटा में ई प्रत्यय लगा घंटी, टोकरा में ई प्रत्यय लगा टोकरी। खाट लोटा गुड्डा खाट में ईया प्रत्यय लगा खटिया, लोटा में ईया प्रत्यय लगा लुटिया, गुड्डा में ईया प्रत्यय लगा नवीन शब्द गुड़िया। सादृश्य वाचक तद्धित प्रत्यय, मूल शब्द हरा प्रत्यय
एक दो तीन लाल हरा, इसमें लगा प्रत्यय तो शब्द बना इकहरा दोहरा तिहरा सुनहरा, ये सब में हरा प्रत्यय लगा है। मूल शब्द सा, इसमें प्रत्यय लगा लाल हरा, लाल सा हरा सा, ये मैंने आपको प्रत्यय कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दोनों के भेद पढ़ा दिए। अब मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ। गृह कार्य में मैंने आपको आपा आई वान आवट आव वाला हार इया आका ओला आदि प्रत्ययों को जोड़कर दो दो शब्द बनाने को दिए हैं। ये प्रत्यय जोड़ करके आप दो दो शब्द बनाइएगा। शब्द प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं बच्चों? शब्द के अंत में। जैसे आपा मैंने दिया है तो इसके पहले कौन सा शब्द लगाएंगे? मोटा आपा मोटापा। यहाँ मैंने आपको दिया है मूल शब्द और प्रत्यय, इन प्रत्यय और मूल शब्द को मिला के जो नवीन शब्द बनेगा वो आपको लिखना है। जैसे फूक नी पालन हार मिल आवट मोटा आपा ससुर आल धन वान घबरा आहट पांच वां मिन आवट धाप अप। इन शब्दों को जोड़ करके मूल शब्द और प्रत्यय को जोड़ करके जो नया शब्द बनेगा वो आपको लिखना है। समझ में आ गया बच्चों? धन्यवाद।